गाइज़ वेलकम बैक। यहाँ पे बहुत तेज बारिश है आज, और अभी शायद दो तीन दिन तक बारिश होगा, तो बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। और मैं सोची थी भीगने जाने के लिए, पर मैं आज नहीं भीगूंगी क्योंकि अभी मैं टाइम देखती हूँ क्या हुआ। अभी 11:46 ही हुए हैं, 11:46 हुए हैं, और अभी तो यानी कि सुबह ही है, तो अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम कर रहा है इसलिए मैं नहीं भीगूंगी। तो पर बारिश देख के एक मुझे नहीं पता, एक अलग सा एक फीलिंग और एक अलग सा एक जो एक पॉजिटिवनेस होता है ना, वो होता है मुझे बारिश देख के, तो मैं नहीं रोक पाती हूँ बारिश में भीगने से। मैं हमेशा भीगती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अभी नहीं भीगूंगी क्योंकि दो तीन दिन से थोड़ा ठंडा मौसम कर रखा है और बादल भी बहुत तेज़ गरज रहे हैं। और आज सीरियसली बताऊँ तो बहुत तेज़ बारिश के साथ साथ बादल गरज रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है। और चलो देखते हैं, अगर बारिश थोड़ी सी रुकेगी तो दिखाऊंगी, बट आई डोंट थिंक सो बारिश रुकेगी क्योंकि आज यहाँ मौसम विभाग ये बताया है कि कंटिन्यू बारिश रहेगा। और आप देख सकते हैं अभी मेरे सामने बिजली चमक रही है बहुत। और तो चलो आप लोग बताना आपके शहर में बारिश आजकल हो रही है कि नहीं हो रही है। और यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, इन्जॉयमेंट कर रही हूँ। तो चलो देखती रह रही हूँ अभी तो, मैं तो बारिश को कंटिन्यू बारिश को देख रही हूँ। और बारिश में कहते हैं जो वो बुलबुले उठते हैं ना, जब बारिश टपक आता है तो बुलबुले, मतलब एक तालाब में आप देखना हल्के हल्के बुलबुले से आएंगे, तो उसका मतलब ये है कि और बारिश होगी। सो वही मैं देख रही हूँ, तो लेट्स एंजॉय, मैं इंजॉय कर रही हूँ। सो और यहाँ पे कुछ कुछ इतना, मतलब जब बारिश होता है ना तो पेड़ों को देखना आप, मतलब इतना सुंदर लगता है जैसे बारिश जब आती है। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, तो आप भी देखिए और एंजॉय करिए मेरी तरह। और गाइस मैं थोड़ी देर शांत रहूँगी और आप सुनना, वैसे भी आप सुन रहे हो ना बारिश की आवाज़ कैसी आ रही है, तो साथ साथ बिजली कड़कने की भी आवाज़ आ रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहती हूँ। तो आप सुन, बादल ना जोर जोर से खड़क रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें भी मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, तो यही था। दिखाती हूँ बाद में और क्या क्या होता है, मतलब कि दिखाती हूँ आफ्टर डैट। तो गाइस मैं बता रही हूँ ये कि यहाँ पे कंटिन्यू बारिश है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है थोड़ा, बट मैंने लाइट नहीं जलाया क्योंकि अभी दिन का समय है और लाइट जलाना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं लाइट नहीं जला रही हूँ क्योंकि आई एम एंजॉइंग रेनिंग। और ये एक मास्क, ऐसा मास्क जो है ना ये काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छा है, बट इसका जो डिसएडवांटेज है ये देखिए, ये है कोई एक पता नहीं क्या है, सॉफ्ट कुछ कपड़े से बना है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये ना लिए हुए एक दिन ही हुआ था, एक दिन पहना मैंने और यहाँ से ये फट गया, देख सकते फट गया, तो ये इतना कि क्या बताए। देखो वैसे भी इतना महंगा तो मास्क नहीं था, बट एक दिन मैंने इसको यूज़ किया और यहाँ से फट गया, तो मैं उसको अभी सिला रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा चलो कुछ काम तो है नहीं अभी, तो ये करके देखती हूँ। तो आपको पता है गाइस सबसे बोरियत काम मुझे सुई में धागा डालना,
बहुत ही बोरियत काम लगता है और ठीक से सिलाना भी नहीं आता है। अब आप लोग कहोगे कि अरे एक मास्क भी सिला रही है और मतलब ये क्या है ना, ऐसा नहीं है गाइज, मेरे पास इतना मास्क है कि सेम डिज़ाइन के सेम कलर के मेरे पास बहुत सारा मास्क है, बट वही है ना कि अगर कुछ लिए हो और वो एक दो दिन में फट जाएगा तो फिर एटलीस्ट उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सामान लिया या कोई कपड़ा लिया, एक दिन पहना और आपने फेंक दिया, हो नहीं सकता। तो अगर मेरे में पॉसिबल होगा तो मैं उसको ज़रूर रीयूज़ करती हूँ। तो इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाती हूँ, तो देखती हूँ कि ये कितना काम आएगा, कितना मतलब कितना चलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे सिलाई करना नहीं आता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे करूँ। अंदर से करती हूँ ताकि जो इसका गांठ है वो अंदर ही रहे। तो क्या करेगा, इस सिलाई वलाई करना भी नहीं आता। और मैंने सिल लिया है और एटलीस्ट ये 1 वीक तो चले, मतलब है ना, बस एक दिन चल गए फट जा रहा है तो क्या फ़ायदा, इसलिए एक दो दिन और चलेगा फिर इसको फेंक दूँगी। सो तो गाइज यहाँ पे बारिश रुक गया है, अभी 6 बजने वाले हैं, तो मुझे लगा कि शायद रात भर बारिश होगा, पर ऐसा नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम कर रखा है। तो इस ठंडे मौसम में एक ही चीज़ अच्छा लगता है खाने का, चाय पकौड़ी, है ना। तो चलो मैं चाय पकौड़ी बनाती हूँ। तो गाइज आज मैं पकौड़ी बनाने वाली हूँ आटे और सूजी का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप में से किसी को भी अगर रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और क्विक वाला रेसिपी है। तो थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी आपको, और इसको सबसे पहले भिगो के रख देना चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो गाइज आप देख सकते हो हम इतना आटा लेंगे, और ये जो पकौड़ी है आपको जितना खाना है आप उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। तो मैंने इतना आटा लिया, इसमें बहुत सारा बन जाता है, ठीक है, इतना आटा लीजिए आप, लगभग ये होगा 1 कप। और हमने 1 कप आटा लिया है तो इसमें हम समझ लो 1/2 कप, ठीक है, हमने इसमें 1 कप आटा लिया है और 1/2 कप हमने सूजी लिया है, ठीक है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूजी क्रिस्पी रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने सूजी डाला है। और इसमें आप चीनी भी ऐड कर सकते हो, और वरना नमक मिर्च या कोई भी वेजिटेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप, मैं इसमें कोई वेजिटेबल ऐड नहीं करूँगी, मैं चीनी, बस हमने इसमें चीनी ऐड कर दिया है। और पानी डालेंगे अब हम, ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, जो कि पकौड़ी तल जाए उतना हमको ऐड करना है, और इसको मिक्स करना है। देखिए
तो आप देख सकते हैं इसको आटे और सूजी और चीनी डाला है मैंने ओनली, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फेंटना है हल्का सा पानी डाल के, और इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए, जो कि आप उठा के आप नॉर्मल पकौड़ी की तरह तल सको। इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डालना है क्योंकि वो बेकार लगते हैं, तो आप सिंपल इतना डाल के भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक घंटा या आधा घंटा अप्रोक्स 1 आवर तक आप इसको रखिए। तो इसको आपको ढक के 1 आवर तक रखना है, ठीक है। तो गाइज़ आपने देखा भी मैंने पकौड़ी के लिए फेंट के रख दिया है, तो आफ्टर 1 आवर के बाद मैं उसको देखूँगी। अभी थोड़ा सा मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, तो मैं कपड़े फटाफट फोल्ड करके रखती हूँ क्योंकि बहुत तेज बारिश हुआ तो कपड़े भी नहीं सूखे हैं, तो मैंने अंदर ही फैला दिया था, तो अब वो सूख गए हैं, तो मैं ज़रा फोल्ड करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे 1 घंटा हो गया है, अब मैंने इस पेस्ट को निकाल लिया है, रख दिया है, और यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, और ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, उतना ही ऑयल डालना है जितना ये तल सके उसमें, ठीक है। तो तेल को अच्छे से हीट अप होने दीजिए, उसके बाद फिर ये हम उसमें डालेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने डाल लिया है, और ये बिना बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के भी ये फूलेगा और क्रिस्पी बनेगा, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। और इसका अगर रेसिपी आपको जानना है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं और डिटेलिंग बताऊँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई करिए। गाइस अभी बज रहे हैं 8 और रात हो चुका है, तो मैं अभी डिनर बना रही हूँ, फटाफट मैं डिनर बनाती हूँ। और आपको आज का रेसिपी आपको पूरा जानना है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर डिटेल में बताऊँगी। हे गाइज़ अभी हमारा डिनर हो गया है कंप्लीट, और अभी 9:30 हो गए हैं। तो मेरा ये ब्लॉग आज का कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और जो न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये ट्रायल है डेली ब्लॉग का, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। लव यू ऑल, टेक केयर।